राजधानी देहरादून के एसएसपी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश और रायवाला थाने से 37 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा ऋषिकेश क्षेत्र से भी 11 एसओजी कर्मचारियों को देहरादून अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश तीर्थ नगरी व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का गोरख धंधा बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए ऋषिकेश कोतवाली में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद लंबे समय से ऋषिकेश और रायवाला में तैनात 37 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इसके तहत ही उन्होंने ऋषिकेश में एक यूट्यूबर पर हुए शराब माफियाओं द्वारा हमले के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश से महेश पंवार की रिपोर्ट। अभी तक जो प्रकरण देखने में आया कि ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में इस तरह की अवैध शराब की बिक्री को लेकर लोगों द्वारा इसमें अपनी शिकायत दर्ज कराई गई और आक्रोश बताया गया, इसको देखते हुए एक समीक्षा बैठक रखी गई, खासकर ये देहात के ऋषिकेश और आसपास के इसमें। और इसमें पाया कि थाना ऋषिकेश में विगत 8 माह में जो कार्रवाई की बात कहें तो उसमें थाना पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक रही। 113 मुकदमे दर्ज किए गए 240 दिनों में और 111 अभियुक्त अरेस्ट हुए इसमें शराब के खाली मामलों में, और जबकि बीच में चारधाम और कांवड़ के उसमें भी व्यवस्था रही, तो देखा जाए थाने की कार्रवाई संतोषजनक थी। और उसको देखते हुए फिर इसमें और भी परीक्षण किया गया, तो इसमें रायवाला और ऋषिकेश में काफी सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे जो लंबे समय से यहाँ पर पोस्ट थे या अन्य कारणों से समय समय पर यहाँ पर पोस्ट होते रहे, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अच्छा पुलिसिंग के लिए वहां जो काफी समय से लोग थे उनको शिफ्ट किया गया अन्य थानों पर, अन्य थानों से यहाँ पर पोस्ट किया गया कि और परफॉर्मेंस देहात क्षेत्र की बढ़ाई जाए।